हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। मैं अंजू पांडे, योर कुक्स चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम अपने इस वीडियो में बनाएंगे मीठी दलिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में बनाएंगे दलिया, मीठी दलिया। और ये मैंने 100 ग्राम दलिया लिया है। चलते हैं गैस की तरफ। गैस के ऊपर चढ़ाया मैंने कुकर। अब हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी हमारा मेल्ट हो गया है तो हम डाल देंगे बादाम और इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। निकाल लेते हैं बादाम। मखाने रोस्ट कर लेते हैं। तीन मिनट ही इन्हें हम रोस्ट करेंगे। अब निकाल लेते हैं मखाना को भी। अब हम फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे और दलिया को फ्राई करेंगे। दलिया को तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। कलर चेंज होने तक हम इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। दलिया का कलर चेंज हो चुका है तो अब हम डालेंगे 1 गिलास दूध। अब डालेंगे 3 चम्मच चीनी। मिला लेंगे इसे अच्छी तरह से और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 सीटी का इंतजार करेंगे। कुकर में हमारे सीटी आ चुकी है। अब हम कुकर खोलकर एक बार देख लेते हैं। दलिया में 1 गिलास दूध फिर से डाल देते हैं। जो हमने ड्राई फ्रूट्स काटे थे, तले थे, उन्हें भी डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देंगे। और 2-3 मिनट के लिए हम इन्हें ऐसे ही पकाएंगे खुले। हमारी दलिया पककर तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। दलिया हमारी बनकर तैयार है और आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, डिनर में भी ले सकते हैं। यह आँखों की रोशनी के लिए और पाचन शक्ति के लिए सही होती है। और अक्सर लोग इसे एकादशी में खाते हैं, लेकिन आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, जब आपका मन हो तब ले सकते हैं। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।